कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो। सुप्रभात, आइए अब डालते हैं न्यूज बुलेटिन की खास हेडलाइंस पर एक नजर। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो। सुप्रभात, आइए अब डालते हैं न्यूज बुलेटिन की खास हेडलाइंस पर एक नजर। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही, एग्जाम फॉर्म भरने की तारीख बढ़ी। कौन सी एग्जाम्स भरने की तारीख बढ़ गई है, पूरी खबर आपके साथ साझा करेंगे। कैबिनेट मीटिंग कल फिर से बुलाई, जी हाँ, एक बार फिर से कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है, पूरी खबर आपके साथ ही साझा करेंगे। फर्जी बोली लगाने वालों पर होगी FIR, जी हाँ, फर्जी बोली जिन्होंने उस स्कूटी के VIP नंबर के लिए लगाई है उन पर FIR दर्ज होगी, पूरी खबर ये भी आपके साथ साझा करेंगे। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। इससे पहले कि आपके साथ सारी खबरें विस्तार से साझा करूं, आप सभी हमारी खबरों को लाइक करें, शेयर करें और NSV न्यूज को स्टार भेजें ताकि हमें आपका सहयोग मिले और हम इसी उत्साह के साथ हर दिन हर खबर से आपको रूबरू करवाते रहें। हिमाचल प्रदेश के 135 कॉलेज में पढ़ने वाले करीब 1.5 लाख छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। कॉलेज में परीक्षा फॉर्म भरने की डेट अब 12 मार्च तक बढ़ा दी गई है। ऐसे में जो स्टूडेंट एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर पाए हैं वे अब फिर से फॉर्म भर पाएंगे। हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के लगभग 3.25 महीने में मात्र 3 ही कैबिनेट मीटिंग करने वाली सुक्खू सरकार ने अब 3 दिन के भीतर दूसरी मंत्रिमंडल की बैठक भी बुला ली है। हिमाचल का एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट कमाऊ साबित हो रहा है। फरवरी महीने में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST में 25% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। विभाग के अनुसार GST के रूप में सरकार को 377 करोड़ रूपए की आय हुई है। देश में टीबी उन्मूलन के लिए हिमाचल प्रदेश सबसे बढ़िया काम कर रहा है। टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में हिमाचल के प्रयासों को देश भर में सर्वश्रेष्ठ आंका गया है। उत्तर प्रदेश के आगरा में संपन्न 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में हिमाचल को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया। हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से ऊना जिला के अंदरौली स्थित गोविंद सागर झील में करवाई जाने वाली 22वीं अखिल भारतीय बॉर्डर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आगाज 2 मार्च यानी कि आज होने जा रहा है। इसका शुभारंभ उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री करेंगे। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के ऐतिहासिक नगर सुजानपुर में होली मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे, जबकि मेले का समापन प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा शोभा यात्रा में भाग लेने के बाद प्राचीन मुरली मनोहर मंदिर में पूजा अर्चना के साथ टमक बजाकर मेले का शुभारंभ किया जाएगा। हिमाचल में जिला लाहौल स्पीति में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के बाद हिमाचल के जनजातीय और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। वहीं बर्फबारी होने से मनाली लेह सामरिक मार्ग बंद हो गया है। VIP नंबर HP 9999 के लिए फर्जी बोली लगाने वाले 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होगी। डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री ने परिवहन विभाग को आदेश दिए हैं कि करोड़ों रुपए की फर्जी बोली लगाने वाले 3 बोलीदाताओं के खिलाफ FIR दर्ज कर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। प्रदेश के सबसे पुराने कुल्लू मनाली एयरपोर्ट भूंदर में NCC कैडेट्स को माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट के प्रशिक्षण का सपना पूरा होने वाला है। साल 2008 से लटके इस प्रोजेक्ट के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अहम कदम उठाते हुए विशेष ट्रैक बनाने का कार्य आरंभ कर दिया है। हिमाचल के कांगड़ा SDM IAS नवीन दमर ने कांगड़ा के प्रसिद्ध शक्तिपीठ बृजेश्वरी मंदिर में ग्रीष्मकालीन नवरात्रों को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी हैं। श्रद्धालुओं को किस प्रकार पहले से और अधिक उचित व्यवस्था दी जाए, इस पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ भारत के साथ। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़ भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित, सत्य स्टीक निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज सुपर भारत, नया उभरता भारत, हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज सुपर भारत। न्यूज सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारी फेसबुक पेज NSV News को।